हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी लवर MF। तो दोस्तों, आ चुका है कब्जा मूवी का ट्रेलर। अब कैसा है ये ट्रेलर, आइए करते हैं इस पे बात। तो ये ट्रेलर जिस तरीके से हम लोग को प्रेजेंट किया गया है, पूरा का पूरा KGF की वाइब्स दे रहा है। हर चीज़ KGF से मिलती जुलती है, जैसे कि फिल्म का म्यूज़िक, उसके डायलॉग, उसका सिनेमाटोग्राफी, हर चीज़ इक्वली KGF से बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने KGF को टक्कर देने के लिए ये मूवी बनाई है। अब ये मूवी कैसी होती है, बहुत ऊपर जाती है या बिल्कुल ही डाउन रहती है, ये तो 17 मार्च को ही पता चलेगा। अब वैसे मूवी के चलने के आसार ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्टार कास्ट भी बढ़िया है। फिल्म के डायलॉग, म्यूज़िक, सब कुछ बढ़िया है। माँ का इमोशन और सब कुछ काफ़ी बढ़िया से दिखाया है, और जो पब्लिक को चाहिए वो सब कुछ इस ट्रेलर में दिख रहा है। और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक और सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छा है। इस मूवी की स्टोरी KGF से तो बिल्कुल अलग ही रहेगी। अब पब्लिक अगर KGF के नज़रिए से इस मूवी को देखती है, तो इस मूवी को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। और अगर फ्रेश माइंड से देखती है कि एक नई स्टोरी है, सब कुछ है, तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी होगी। रियल स्टार उपेंद्र जी और किच्छा सुदीप इस मूवी में है, तो इस मूवी से लोगों को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। और वैसे कहानी आज़ादी से पहले की है, उस दौर पे ये उपेंद्र जी डॉन का रोल निभा रहे हैं, जिसमें उस दौर पे उन्होंने देश पर राज किया था, और जिसमें इनकी एक खुद की भी एक बैकग्राउंड स्टोरी होगी। और किच्छा सुदीप का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा इस मूवी में। आज़ादी से पहले के एक डॉन माफिया की कहानी दिखाई जाएगी, जो कुछ कुछ रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होगी। अब ये मूवी KGF से बिल्कुल हटके है या नहीं, ये हम लोगों को 17 मार्च को पता चलेगा। मेरे हिसाब से इस मूवी को KGF से बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए। अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को मज़ा आना है, और अगर बिल्कुल फ्रेश तरीके से देखते हैं तो उस मूवी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये मूवी KGF की तरीके से है या नहीं है, ये हम लोगों को 17 मार्च को पता चल जाएगा। और कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय।